आप इस प्रीमिक्स पाउडर को किसी एयरटाइट डब्बे में रखकर पूरे सीजन तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय क्यूजिन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटले आज आपके लिए लेकर आई हूँ शरबत प्रीमिक्स पाउडर। बहुत सारे फ्लेवर्स में मैं इसको लेकर आई हूँ, तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे, उसमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शरबत प्रीमिक्स पाउडर। शरबत के सिरप बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। चाशनी कितने तार की बनानी है, चीनी कितनी डालनी है, उसमें कलर एसेंस कितना डालना है, किस चीज़ में स्टोर करके रखना है, बोतल साफ करने की झंझट, अगर उसमें फंगस आ गई तो उसके लिए प्रॉब्लम। तो इन सब से छुटकारा लेने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ड्राई प्रीमिक्स पाउडर। बहुत बनाने में भी आसान है और किसको कैरी करने में भी बहुत आसान है। जब कभी भी आप गर्मी से राहत चाहते हो तो इसे बनाकर पी सकते हैं और सफर में भी इसको आराम से ले जा सकते हैं। कहीं विदेश जाना हो या कहीं घर से बाहर जाना हो तो भी आप इसको ले जा सकते हैं। तो आइए बना लेते हैं शरबत के प्रीमिक्स पाउडर के कई फ्लेवर। इसके लिए मिक्सी जार में मैं डाल रही हूँ ये आधा कप चीनी, और इसमें डाल लेंगे 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड और थोड़ा सा नमक, 1 पिंच के करीब। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 पिंच डालना है। और डाल देंगे 2 चम्मच ग्लूकोज भी, ग्लूकोन डी डालना है, बच्चों को एकदम तरोताज़ा बना देगा ये। और ये मेरे पास है इमल्शन। इमल्शन मतलब जिसमें कलर और एसेंस दोनों मिले हुए होते हैं। अभी मैं ले रही हूँ मैंगो फ्लेवर। आपके पास अगर इमल्शन नहीं हो या आपको अवेलेबल नहीं हो तो आप अलग कलर एसेंस भी डाल सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच इमल्शन, डाल दिया मैंने इमल्शन। अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा येलो फ्लेवर फ्लेवर का प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। अब बना लेते हैं ऑरेंज फ्लेवर का प्रीमिक्स। इसके लिए मैंने आधा प्याला चीनी डाल दिया है और डाल देती हूँ ग्लूकोन डी 2 चम्मच, और डाल देते हैं 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड और 1 पिंच में डाल देती हूँ नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो आपका ये टेस्ट ख़राब कर देगा। और इसमें डाल रही हूँ मैं ऑरेंज इमल्शन। अगर आपके पास इमल्शन नहीं हो तो आप और ऑरेंज कलर और एसेंस भी डाल सकते हैं। इसको पल्स कर करके हम पीसेंगे, एकदम से नहीं पीसना है, पल्स कर करके पीसना है। मैंगो फ्लेवर बना लिया, ऑरेंज फ्लेवर भी बना लिया। अब बना लेते हैं खस फ्लेवर। इसके लिए भी मैं डाल लेती हूँ आधा प्याला चीनी, 1/4 चम्मच साइट्रिक एसिड, 2 पिंच नमक, इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालेंगे हम, और 2 चम्मच हम डालेंगे ग्लूकोन डी पाउडर, और थोड़ा सा ये खस रोस्टेड है ये भी डाल रही हूँ 1 चम्मच, और डाल देंगे हरा कलर। मेरे पास इमल्शन नहीं है इसका, तो मैं हरा रंग डाल रही हूँ। एसेंस के लिए मैंने खसखस डाला है। अब इसको पल्स कर करके ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारा बन गया ग्रीन कलर भी, निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ग्रीन भी बन गया है। अब बना लेते हैं रोज फ्लेवर। इसके लिए मैं डाल लेती हूँ आधा कप चीनी, 2 चम्मच ग्लूकोनडी पाउडर, 1/4 चम्मच साइट्रिक एसिड, टाटरी भी आप डाल सकते हैं, और 1 पिंच नमक, और थोड़ी सी मैं इसमें गुलाब की पत्तियां जो कि मैंने सुखा कर रखी हुई हैं वो भी डाल देती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगी, एकदम नेचुरल टेस्ट देगी इसको। और डाल देते हैं रेड कलर करीब आधा चम्मच, और एसेंस भी। एसेंस
एसेंस 1/4 डालना है क्योंकि हमने पत्तियां भी डाली है। पल्स करते हुए ग्राइंड कर लेते हैं हम इसको। अब बनाएंगे काला खट्टा फ्लेवर। इसके लिए मैं डाल लेती हूँ, सबसे पहले ये चीनी डाल ली है मैंने, और डाल लेते हैं काला नमक 1/4 टेबल स्पून, और एक पिंच में डाल रही हूँ सादा नमक, भुना पिसा जीरा डाल रही हूँ आधी चम्मच, और साइट्रिक एसिड डाल रही हूँ ये भी आधी चम्मच डाल रही हूँ। 2 चम्मच डालेंगे हम ग्लूकोन डी पाउडर। और इमल्शन इसका भी नहीं है मेरे पास, तो रेड ऑरेंज कलर है मेरे पास, तो मैं ये डाल देती हूँ इसमें रेड ऑरेंज कलर, करीब आधी चम्मच डाल रही हूँ मैं। अब पल्स कर करके ग्राइंड कर लेंगे। आप कच्ची कैरी का भी बना सकते हैं, और पान वाला शरबत भी बना सकते हैं, और बहुत सारे फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर बना सकते हैं, बहुत फ्लेवर बना सकते हैं आप इसी तरीके से। ये 5 फ्लेवर मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इससे आपको शरबत बनाना बताती हूँ कि कैसे शरबत बनाएंगे। सबसे पहले मैं डाल लेती हूँ, 1 गिलास में मैं डालूँगी 2 चम्मच ये प्रीमिक्स पाउडर, और इसमें डालूंगी ठंडा पानी। प्रीमिक्स से शरबत बनाने के लिए मैंने डाल दिए हैं सभी ग्लासेस में 2-2 चम्मच प्रीमिक्स पाउडर। अब इनमें डाल देती हूँ पानी। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, सभी में पानी डाल देती हूँ। ये जो इसमें है ये गुलाब की पत्तियां आई है ऊपर। सभी शरबत में, सभी प्रीमिक्स में मैंने पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा बर्फ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहे तो बिना बर्फ के भी आप पी सकते हैं। अगर आपके पास काला खट्टा कलर नहीं हो तो आप रेड और ग्रीन कलर मिक्स करके आप इसे बना सकते हैं, और आप इसे सोडे के साथ भी बना सकते हैं। बनकर तैयार हो गए हैं हमारा प्रीमिक्स पाउडर और उससे शरबत। हमने बना लिया है शरबत प्रीमिक्स पाउडर, और उससे बना लिया है शरबत। आप इस प्रीमिक्स पाउडर को किसी एयरटाइट डब्बे में रखकर पूरे सीजन तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। जरूर से बनाकर देखिए, आप लोग भी इस प्रीमिक्स पाउडर को, ले जाने में भी बहुत आसान है, कहीं सफर में या घर से बाहर कहीं जाए आप तो ले जाने में भी बहुत आसान है। अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं आपके लिए लाती रहूँगी इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी यूजफुल रेसिपीज। देखते रहिए मेरे चैनल भारतीय क्यूजिन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।